हेलो दोस्तों, हम आज बात करें व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। फेसबुक की स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से फिलहाल अपनी पॉलिसी में होने वाले बदलाव को टाल दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी 8 फरवरी से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने वाली थी, जिसके लिए यूजर को टर्म्स कंडीशन का मैसेज पॉप अप हो रहा था और उन्हें उसे स्वीकार करना था। कंपनी का कहना है कि हमारे होने वाले प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर यूजर्स के बीच कई सवाल और कन्फ्यूजन है, जिसके चलते इस फिलहाल के लिए स्थगित किया जाता है, ताकि यूजर को इस रिव्यू करने और समझने के लिए थोड़ा समय मिल सके। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, हम तारीख को पीछे खिसका रहे। 8 फरवरी को किसी का भी अकाउंट सस्पेंड या डिलीट नहीं होगा। इसके साथ ही हम व्हाट्सएप के प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर फैल रही गलत जानकारियों को लोगों के सामने स्पष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में अपने यूजर को सेवा की सत्य और गोपनीयता की नीति के बारे में अपडेट देना शुरू किया था। व्हाट्सएप ने इसमें बताया था कि वह कैसे यूजर्स के डेटा को प्रोसेस करती है और उसे डेटा फेसबुक के साथ शेयर करती है। इतना ही नए अपडेट में यह भी कहा गया कि अब व्हाट्सएप की सेवा का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को 8 फरवरी 2021 तक नई शर्तों और नीति को स्वीकार करना होगा, वरना आगे यूजर्स व्हाट्सएप का यूज नहीं कर पाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी पर व्हाट्सएप की सफाई जानकारी के लिए बता दें कि 5 जनवरी को व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव का ऐलान किया था, जिसके बदलाव से करोड़ों यूजर्स के ऐप पर एक नोटिफिकेशन शो हो रहा, जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सपेक्ट करने का कहा जा रहा था। इस अपडेट से कई यूजर्स नाखुश होने लगे और टेलीग्राम तथा सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने का फैसला किया। इस पर व्हाट्सएप ने सफाई भी दी और अपने ट्विटर हैंडल पर बताया, हमने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की थी। अपडेट पॉलिसी पर कई सवाल भी उठे और साथ ही गलत जानकारी भी फैल रही है। ऐसे में हम आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो हमसे कई और लोगों ने भी पूछे हैं। हमने व्हाट्सएप को बहुत मेहनत से ऐसा बनाया था कि हमारे यूजर्स एक दूसरे से प्राइवेटली कनेक्ट कर सके। व्हाट्सएप ने अपने ब्लॉग में कहा, हमने दुनिया भर के लोगों को एंड टू एंड एनक्रिप्शन की सुविधा देने में मदद की है और हम इस सुरक्षा तकनीक को आगे भी इस तरह बनाए रखेंगे। हमसे संपर्क करने, अफवाहों को फैलाने से रोकने और फैक्ट शेयर करने में हमारी मदद करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम व्हाट्सएप को पर्सनल बातचीत करने का सबसे अच्छा जरिया बनाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। बस इतनी सी जानकारी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।